गाइस, मेरा नाम है अमित चौधरी और आज मैं आपको यूट्यूब की असली सच्चाई बताने वाला हूँ इस नए अपडेट के आने के बाद। दोस्तों, आप ये मैं सोचो कि अगर इस चैनल पे व्यू कम आए तो ये जो बंदा है गलत बात बोलेगा। मैं इस चैनल पे चैनल मेरा नया है इसलिए, और वीडियो भी कम है इसलिए मेरे वीडियो पर कम व्यू आए हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पूरी देख के आप इसकी व्यू बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सच होने वाला है, क्योंकि अब जो है यूट्यूब ने अपने नए टर्म्स एंड कंडीशन लाके अपना असली चेहरा, अपना रंग दिखाता जा रहा है। जैसे व्हाट्सएप ने कुछ दिनों पहले दिखाया था, अब यूट्यूब भी वैसे ही कर रहा है दोस्तों। तो इस बार एक दिन पहले, कल ही शायद, हाँ कल ही आया था अपडेट यूट्यूब पे, यूट्यूब का मेरे पे भी, मेरे जीमेल पे भी आया है। तो इस बार यूट्यूब ने 3 अपडेट करे हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन में। पहला अपडेट तो वही था फेशियल रिकॉग्नाइजेशन वाला, कि अगर आप किसी दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके या फिर कुछ भी किसी और का बिना उसके परमिशन के अपने चैनल पे अपलोड करते हो, और अगर वो बंदा आपको वो कॉपीराइट दे देता है, तो इस बार आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन देखना पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो यूट्यूब ने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो पहली अपडेट तो ये हो गई। और दोस्तों, दूसरी अपडेट वो अलग अपडेट आई है, और वो अपडेट नवंबर 2020 में US में लागू हो चुकी थी और अब 1 जून से हमारे इंडिया में भी लागू हो जाएगी। और तीसरी अपडेट, दूसरी आप बताऊंगा लास्ट में, तीसरी अपडेट जो है वो पहले वाली है, कि अब आपको जो कि जून 2021 से अब आपको US जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स पे करना होगा, और उसके बाद ही टैक्स कटने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, यानी कि आपको फुल पेमेंट भी नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि YouTube अपना नया नया रंग दिखाते जा रहा है, अब हो सकता है आगे और भी कुछ चेंज कर दे। अब मैं आपको तीसरा अपडेट बताने वाला हूँ। तीसरा अपडेट ये है कि अगर आपका छोटा मोटा चैनल भी है और वो मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, और आप उस पर इतनी मेहनत करके डालते रहते हो वीडियो, और इतनी मेहनत से एडिटिंग करते हो, ये करते हो, थंबनेल बनाते हो इतनी मेहनत से, और आपका अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो दोस्तों यह जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत का जो फल है वो यूट्यूब खाएगा। जब तक कि आपका चैनल मोनेटाइज ना होए, तब तक YouTube जो है आपके वीडियोस चैनल पे एड्स भेजेगा। तो यह जो बात है बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है, क्योंकि हमारी मेहनत से YouTube को पैसा मिलेगा, लेकिन जब तक आपका चैनल मोनेटाइज ना होए, तो अगर आप अभी भी चाहते हो YouTube पे काम करना है, तो अगर आप चाहते हो YouTube में सही में मुझे करियर बनाना है, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है बहुत ही ज़्यादा वो चैनल मोनेटाइज हो पा रहा है, क्योंकि लोग जो है यूट्यूब को कुछ पार्ट टाइम समझ रहे हैं। इसलिए अगर आप यूट्यूब पे बहुत मेहनत करोगे तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप हिम्मत समझना कि ये नई टर्म एंड कंडीशन है, इसके बाद आपके चैनल का भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा और आप कभी यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। तो ये सब सिर्फ आपकी मेहनत के ऊपर है, बाकी YouTube जो है अपने, और इससे एक आपका ये भी लाभ हो रहा है कि अगर मान लो कि आपका अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है, और मान लो कोई आपका वीडियो देख रहा है और उसे पता नहीं है अभी YouTube के नए टर्म एंड कंडीशन के बारे में, और उसने देख लिया कि आपके चैनल पे ऐड आ रहे हैं, तो मतलब समझ जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो वो आपको सब्सक्राइब भी कर सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसको शेयर जरूर से ज़रूर करना, क्योंकि यह जो YouTube की जो सच्चाई है धीरे धीरे सामने आती जा रही है। लेकिन अगर आपको YouTube पे सही में करियर बनाना है, तो आपको अब दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाने पड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।